हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके अपने चैनल के लिए बैनर बना सकते हैं। जो लोगों के ऊपर जो लगा रहता है बैनर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगा पिक्सल ऐप। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोडिंग आसानी से कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करिएगा और इमेज साइज पर क्लिक करके और कस्टम है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूट्यूब चैनल बैनर, इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से जो है टेक्स्ट को इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है जो देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी मटेरियल हम देखें उसको आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोडिंग कर लेना है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, यहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ओके हो गया। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। यहाँ से सेट करके यहाँ पर क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। इसको यहाँ पर कला वाला दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल और डेस्कटॉप पर ऐसा दिखाई देगा इतने साइज़ पर, तो ऐसे इसको आपको क्या करना है, सेट कर देना है। इसको भी यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म गैलरी पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से जो भी हम इसको देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको यहाँ से ले लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए साइज में फिक्स हो गया। अब यहाँ से क्या करें, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने चैनल का लोगो ले लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, चैनल का लोगो लेने के बाद छोटा कर लेना है इसको और यहाँ साइज़ पर इसको परफेक्ट साइज़ पर यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और यहाँ से आप टेक्स्ट लेना है, यहाँ प्लस का क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से किसी अपने चैनल का नाम लिख देते पहले। फ्रेंड्स चैनल का नाम लिखने के बाद इसको क्या करना है, छोटा कर लेना है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं हम इसको। यहाँ से इसको परफेक्ट साइज़ पर रख देंगे और परफेक्ट साइज़ पर लिखने के बाद इसको यहाँ से ए पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको बोल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, बी फोर बोल्ड है, यहाँ पर बोल्ड कर देना है और इसका साइज़ है जो परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से फिर से प्लस पाइप पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लेंगे और यहाँ से आप अपने चैनल का ईमेल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ से ईमेल को ऐड, तो फ्रेंड जो ईमेल दिए हैं इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे हम यहीं से। देखिए यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं और यहाँ से आप नंबर देना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए और इसको हटा कर यहाँ से नंबर दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नंबर टाइप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के यहाँ हम नंबर टाइप कर दिए हैं, इसको भी बोल्ड हो चुका है ये, थोड़ा इसको साइज़ को बड़ा करना चाहते थे बड़ा कर लीजिए, ना ना था ये भी ठीक है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब का यहाँ पर लोगो ऐड करना है। तो प्लस पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका है इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्रॉप कर लीजिए। ठीक है, और क्रॉप करने के बाद यहाँ से इसको ओके पर क्लिक कर दीजिए, या आ गया है इसको छोटा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको सजा देना है, फिर से प्लस पर क्लिक करना है और टेक्स्ट लेना है और यहाँ पर लाना है और यहाँ पर डबल क्लिक करके टेक्स्ट पर लिखना है फॉलो अस। ठीक है, तो चलिए हम फॉलो अस पर यहाँ पर टाइप करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको भी छोटा कर लेते हैं हम लोग, तीसरा छोटा कर लेना है और अब रह गया इधर का साइड। ठीक है, तो यहाँ से फिर से प्लस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी आपका नाम है, अगर नाम देना चाहते हैं या फिर से चैनल का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप करना है आपको अपना चैनल नेम सर्च। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चैनल का नेम टाइप कर दिए हुए हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक किया, बोल्ड हो गया है। इसको बोल्ड करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करके और यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे। अगर आपका ब्लॉग का चैनल लेते हैं, यहाँ पर ब्लॉग लीजिए और टेक्निकल चैनल तो टेक्निकल, गेमिंग चैनल तो गेमिंग। चलिए हम अपना ग्राफिक एंड डिजाइनर लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ से ओके कर देते हैं। और यहाँ से आ चुका है तो छोटा छोटा कर लेते हैं इसको। छोटा करने के बाद इसको कलर का चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको कलर का यहाँ पर क्लिक कीजिए और कलर ऊपर चेंज कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पर क्लिक करना है और सेव लेना है। सेव लेना है और सेव लेने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसको छोटा कर लेना है, इसको भी बहुत ही छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ओबेसिटी रहने देना है और ब्लैक कर देना है। इसको ब्लैक करने के बाद थोड़ा बड़ा करना है और यहाँ प्लस का आइकन देखना है, इस पर क्लिक कीजिए और जूम कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से जूम करके फिर से प्लस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसको आप बहुत ही नज़दीक में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से इसको सजा लेना है। सजाने के बाद फिर से हम लोग प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर रखेंगे और डबल क्लिक करके अब हम बता रहे हैं उस तरह से आपको लिखना है, कैपिटल में यूट्यूब लिखना है। ठीक है, और स्लैश देके हम बताते हैं किस तरह से आपको लिखना। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको चैनल का अपना नेम लिखना है। अगर आपके कस्टम चैनल का नेम कैसे बनाते हैं अगर नहीं पता है, तो आई बटन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं यूट्यूब का। ठीक है, तो इसको ओके कर देते हैं और इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग और यहाँ से जूम कर लेते हैं ताकि
सेटिंग करने में आसानी होगा। तो इस तरह से हो गया, और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, फिर से एक सेव लेंगे, ठीक है। सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करने के बाद आपको छोटा कर लेना है इसको। इधर छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओपेसिटी इसको पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको सेंटर में कर लेना है। सेंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर स्टॉक, ठीक है। इसको आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। हम दो पर रख कर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और यस कर देते हैं और जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा सा कट रहा है। इसको जूम कर लेते हैं फिर से, और इस सेंटर पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेंटर में कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर। तो फ्रेंड्स, किस तरह से इसको सेव करना है, सेव करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं प्लस आइकन के बगल में सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ से आपको PNG देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे JPEG PNG यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सेलेक्ट कर लेना है आपको PNG, और कस्टम पर क्लिक करने के बाद हाई या अल्ट्रा पर सेव कर लेना है, और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप भी चाहते हैं इसी तरह से बैनर बनवाना प्रोफेशनल, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मैसेज कर सकते हैं हमारे पास, या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ वहाँ पर आप चैट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।